हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए डिफरेंट टाइप के पेन, डिफरेंट टाइप की पेंसिल और डिफरेंट टाइप के इरेजर और डिफरेंट टाइप के गाइस शार्पनर और कुछ है गाइस कलर। गाइस बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना इन सब में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर खाए तो थैंक यू सो मच फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइस हमारे पास काफी सुंदर और काफी प्यारा दोस्तों एक जैबरा, और ये दोस्तों जैबरा नहीं है, ये है जैबरा लुक में दोस्तों एक काफी सुंदर सा पैन। और ये देखो दोस्तों पैन है, चलो एक बार चला के दिखाता हूं। इसकी टिप देख सकते हो कितनी पतली, और ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग चल रहा है। बट ये जैबरा लुक में ना ये काफी सुंदर भी लग रहा है और काफी अमेजिंग भी लग रहा है। और इस जैबरे वाले पेन को दोस्तों मैंने 20 रुपीज का परचेज किया है दोस्तों, तो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास एक सीजर वाला दोस्तों इरेजर, ये देखो दोस्तों सीजर लुक में दोस्तों काफी अमेजिंग है। ये मपेट की इरेजर है दोस्तों, और इसे सीजर जैसे चाकू को ओपन करते हैं उसी तरह ओपन करेंगे दोस्तों इस इरेजर को, देख सकते हो काफी अमेजिंग है, काफी मोटी इरेजर मिल जाती है दोस्तों। और इस मोपेड इरेजर को दोस्तों मैंने 70 रुपीज का परचेस किया है दोस्तों, तो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारा दोस्तों एक हेलोवीन का दोस्तों करेक्शन टेप, और ऐसी करेक्शन टेप आपने कभी भी नहीं देखी होगी। पहले तो दिखाता हूँ, ऊपर देख सकते हो हेलोवीन का फेस बना है, और ये देख सकते हो यहाँ पे एक बटन मिलता है, इस बटन को दबाता हूँ तो देखना दोस्तों क्या होगा। इस बटन को दबाया तो देखो दोस्तों फेस अपने आप चेंज हो रहा है, ये देखो जब भी बटन दबा रहा हूँ घूम के दूसरा फेस आ जा रहा है ना, काफी गजब काफी अमेजिंग। और इस हेलोवीन करेक्शन टेप को दोस्तों मैंने 40 रुपीज का परचेज किया, इसका मुंह ओपन करेंगे और फिर हमें यहाँ मिलता है करेक्शन टेप, ये देखो दोस्तों है काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। तो आपको ये हेलोवीन का करेक्शन टेप कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सबसे अच्छी बात है इसमें एक बटन मिल जाता है जिससे हम अपना टाइम पास काफी इजिली से कर सकते हैं दोस्तों, तो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखा दो। नेक्स्ट चीज है गाइस हमारे पास काफी अमेजिंग और काफी प्यारे दोस्तों एक कैंडी सेट, और दोस्तों ये कैंडी नहीं है, ये है एक हाईलाइटर। कैसे दिखाता हूँ, निकालता हूँ दोस्तों पन्नी से, और इस हाईलाइटर सेट को मैंने 40 रुपीज का परचेज किया। 6 कलर के गाइस हमें हाईलाइटर मिलते हैं, एक कैंडी निकालता हूँ और दिखाता हूँ दोस्तों हाईलाइटर, ये देखो दोस्तों पहले लुक देखो दोस्तों ऐसा लग रहा है रियल की कैंडी है दोस्तों, बट ये कैंडी नहीं है। देखो इस तरह ओपन करेंगे और यहां मिल जाएगा दोस्तों हमें एक हाईलाइटर, ये देखो दोस्तों टिप देख सकते हो दोस्तों काफी अच्छी है, चल भी देखो दोस्तों कितना बढ़िया रहा है, ये काफी अमेजिंग हाईलाइटर है, काफी जबरदस्त है। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक गाइस गेमिंग कंसोलर वाला दोस्तों शार्पनर, ये देखो दोस्तों शार्पनर है, यहां हमें छेद मिल जाता है, इसमें गाइस हम अपनी पेंसिल को डालेंगे फिर पेंसिल को शार्प करेंगे। लुक देख सकते हो ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल का गेमिंग कंसोलर है, और इसके अंदर का शार्पनर दिखाता हूं कहां पे है, तो ये देखो दोस्तों शार्पनर है, और इस गेमिंग कंसोलर शार्पनर को दोस्तों मैंने 10 रुपीज का परचेज किया। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक चम्मच वाला पैन, ये देखो दोस्तों काफी अमेजिंग है, और इसके आगे गाइस हमें डायमंड मिल जाता है, पीछे स्पून मिल जाती है यानी फॉग वाली स्पून मिल जाती है, काफी अमेजिंग है। ढक्कन ओपन करें, ये देखो दोस्तों ये कितने अमेजिंग टिप है इसकी, काफी पतली टिप मिल जाती है, और चल भी देखो दोस्तों कितना अच्छा रहा है। और ये बॉल पेन है, मेरे हाथों में फिलहाल तो नहीं चल रहा, और ये देख सकते हो हल्का हल्का चल रहा है, थोड़ी देर में चलने लगेगा। ये बॉल पेन है काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है, और ये स्पून लुक में ये काफी जबरदस्त लग रहा है। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट गाइस हमारे पास एक काफी अमेजिंग काफी सुंदर से दोस्तों एक मछली, और ये दोस्तों मछली नहीं है दोस्तों, ये है एक शार्पनर, काफी अमेजिंग है, मछली लुक में है दोस्तों, यहां देख सकते हो होल मिल जाता है, इसके अंदर गाइस हमें शार्पनर मिलता है, ये देखो दोस्तों शार्पनर, और इस मछली वाले शार्पनर को दोस्तों मैंने 10 रुपीज का परचेज किया। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी अमेजिंग और काफी जबरदस्ती पेंसिल, ये देखो दोस्तों पेंसिल है, यूनिकॉर्न की पेंसिल है, और ये देख सकते हो कितनी बड़ी पेंसिल है, ये देखो दोस्तों, और ये देखो कितनी मोटी पेंसिल है, और ये इस पेंसिल को दोस्तों मैंने 60 रुपीज की परचेज करी है, और आगे की नोक दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों है ना काफी जबरदस्त, और इसके ऊपर जो हमारी यूनिकॉर्न की फोटो छपी है ये काफी अमेजिंग बना रहा है इस पेंसिल को दोस्तों, तो इसे साइड रखता हूँ, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास 2 लाइन वाला पेन दोस्तों, ये काफी अमेजिंग है, और इस सेट को दोस्तों मैंने 50 रुपीज का परचेज किया है, और इसमें गाइस एक पेन में दोस्तों हमें 2 टिप मिलती है, वो कैसे दिखाता हूँ, तो ये देखो दोस्तों एक पेन निकाल लेता हूँ, ये देखो पेन है, और इसमें गाइस हमें ब्लू टिप मिलेगी और एक ऑरेंज टिप मिलेगी इस पेन के अंदर। चलो ढक्कन ओपन करके दिखाता हूँ और टिप दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों टिप है ना, एक ऑरेंज और एक ब्लू कलर की टिप, काफी अमेजिंग, और जब भी चलाऊंगा तो दोनों एक साथ पेन चलेंगी, ये देखो दोस्तों ये देखो
है ना, काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग डबल टिप वाले पेन। आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। टोटल हमें 6 पेन मिलते हैं यानी 6 कलर के गाइस हमें इसमें टिप मिल जाते हैं, काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है। नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक स्टार यानी स्टार लुक में दोस्तों एक स्माइली सेट है, और ये दोस्तों सेट नहीं है, ये है एक काफी सुंदर सा शार्पनर। ये देखो दोस्तों शार्पनर है, काफी प्यारा है। केवल मैंने 5 रुपए का परचेज किया इस वाले शार्पनर को, स्टार वाले शार्पनर को दोस्तों। तो साइड रखता हूँ। नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक कॉकटेल वाला दोस्तों हाईलाइटर, काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है। और इस कॉकटेल वाले हाईलाइटर को दोस्तों मैंने 50 रुपीज का परचेज किया है। ओपन करके दिखाता हूँ ये हाईलाइटर कैसे हैं। और इसके आगे गाइस हमें कुछ मिल जाते हैं स्पार्कल्स, ये देख सकते हो इसके आगे गाइस स्पार्कल मिल जाते हैं। इस ढक्कन को इस तरह ओपन करेंगे दोस्तों और इसके अंदर ये देखो दोस्तों स्पार्कल, ये देखो अच्छे अच्छे कलर के स्पार्कल मिल जाते हैं। और सारे स्टार लुक में दोस्तों काफी अमेजिंग है। और हाईलाइटर दिखाता हूँ अब आपको, तो ढक्कन ओपन कहाँ से होगा, ढक्कन यहाँ से ओपन होगा। और ये देखो दोस्तों हाईलाइटर, आगे की टिप देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त, कितनी अमेजिंग है। और ये देखो दोस्तों कितना स्मूथ और कितना अच्छा भी चल रहा है ये हाईलाइटर, काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है। टोटल हमें 6 कलर के इसमें हाईलाइटर मिल जाते हैं इस सेट के अंदर। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारा दोस्तों एक सीजर वाला पेन देख सकते हो। और इस पेन में गाइस हमें सीजर मिल जाता है पीछे, और ये देखो दोस्तों एक पेपर कट सीजर है, काफी अमेजिंग और काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों हमें सीजर मिल जाता है। और इस पेन को दोस्तों मैंने परचेज किया है केवल 30 रुपीज का। आगे पेन दिखाता हूँ ये कैसा पेन है। तो ये देखो दोस्तों पेन, अब मैं आपके टिप दिखाता हूँ, ये टिप देखो दोस्तों कितना जबरदस्त है। और ये बॉल पेन है, काफी अमेजिंग है। सीजर वाला पेन आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक पेंसिल, और इस पेंसिल में देखो दोस्तों हमें क्या मिलता है। ये देखो दोस्तों इसके ढक्कन में हमें डाइस मिल जाता है, देख सकते हो काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है। ढक्कन को ओपन करेंगे दोस्तों तो इसमें गाइस हमें पुश एंड बैक वाली पेंसिल के नोक मिल जाते हैं दोस्तों, काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है। और इसमें गाइस जो हमें डाइस मिले हैं ना, जो दो डाइस, ये काफी अमेजिंग है दोस्तों, काफी जबरदस्त है, काफी गुड लुकिंग बना रहा है। और इस पेंसिल को दोस्तों मैंने 20 रुपीज का परचेज किया है। चलो नेक्स्ट ही दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक लंच बॉक्स सेट गाइस, और इस लंच बॉक्स में गाइस हमें मिलते हैं इरेजर, और कैसे इरेजर मिलते हैं दिखाता हूँ। तो इस बॉक्स को दोस्तों मैंने 40 रुपीज का परचेज किया, इस लंच बॉक्स को दिखाता हूँ। तो ये ओपन कर लेते हैं, और ये देखो दोस्तों इसमें गाइस हमें मिलता है सेम, ये देख सकते हो, और ये इरेजर है सेम लुक में दोस्तों। एक मिलता है गाइस हमें ये पाइनएप्पल, ये देखो दोस्तों ये भी इरेजर है, काफी सुंदर, काफी अमेजिंग। ये देख सकते हो वाटरमेलन है, ये वाटरमेलन दोस्तों इरेजर है, काफी सुंदर है। हमें क्या मिलता है तो इसके अंदर गाइस ये देखो लेमन मिल जाता है, और ये भी इरेजर है दोस्तों। और ये कौन सा फ्रूट है यार, प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताओ अगर आपको पता हो, अगर आपको पता चल रहा हो ये कौन सा फ्रूट है। तो दोस्तों हमें इसमें 5 तरह के फ्रूट मिल जाते हैं यानी 5 तरह के इरेजर मिल जाते हैं इस सेट के अंदर। चलो साइड रखता हूँ। नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक थार वाला दोस्तों शार्पनर, काफी अमेजिंग है थार लुक में दोस्तों। और ये इस शार्पनर में दोस्तों हमें 2-2 शार्पनर मिल जाते हैं दोस्तों, और इस शार्पनर को मैंने 30 रुपीज का परचेज किया। और ये देखो दोस्तों ब्लेड काफी अमेजिंग, एक छोटा ब्लेड मिल जाता है, काफी बड़ा ब्लेड मिल जाता है, बट इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी अमेजिंग है। 30 रुपीज का भी तो परचेज किया इस थार वाले शार्पनर को दोस्तों। और किसे किसे थार पसंद है प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थार पसंद हो तो कर देना वीडियो को लाइक। चलो साइड रखते हैं। नेक्स्ट दिखा दो। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक ट्रक वाला दोस्तों शार्पनर, ये देख सकते हो ये काफी अमेजिंग है। ये ड्राइव ट्रक है दोस्तों, यानी इस ट्रक को हम तोड़ के फिर बना भी सकते हैं। जैसे इसका पीछे वाला कंटेनर दोस्तों हम इस तरह खोल लेंगे, आगे वाला भी बोनेट खोल लेंगे, टायर भी खोल लेंगे, फिर इन्हें जोड़ भी सकते हैं। और गाइस इसके बोनेट में गाइस हमें मिल जाता है शार्पनर, ये देख सकते हो शार्पनर मिल जाता है, काफी अमेजिंग है। 2 शार्पनर मिल जाते हैं, एक छोटा शार्पनर मिलता है, एक बड़ा शार्पनर मिलता है। छोटा शार्पनर होता है कलर पेंसिल को शार्प करने के लिए, और बड़ा शार्पनर होता है गाइस हमारे बड़ी वाली पेंसिल को शार्प करने के लिए। तो आपको ये ट्रक वाला दोस्तों शार्पनर कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखता हूँ। नेक्स्ट ही दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर, काफी प्यारा सा दोस्तों एक फ्राई वाला दोस्तों पेंसिल शार्पनर, ये काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है। पीछे गाइस होल मिल जाता है, इसमें गाइस हम अपनी पेंसिल को शार्प करेंगे, फ्राई की तरह है, काफी अमेजिंग है। केवल मैंने 5 रुपए का परचेज किया इस शार्पनर को दोस्तों। नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक सॉफ्टी यानी गाइस आइसक्रीम वाला आइसक्रीम एंड शार्पनर सेट, काफी सुंदर है। आइसक्रीम में तो दोस्तों हमें इरेजर मिल जाती है, ये देखो दोस्तों इरेजर मिल जाती है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें गाइस हमें शार्पनर मिल जाता है, और ये देख सकते हो काफी सुंदर, काफी प्यारा। और इस आइसक्रीम वाले इरेजर और शार्पनर को दोस्तों मैंने 30 रुपीज का परचेज किया है। चलो साइड रखते हैं। नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारा गन वाला दोस्तों पेन, देख सकते हो। और इसमें गाइस एक स्कोप मिलता है, स्कोप में दोस्तों हमें लाइट मिल जाती है, ये देख सकते हो ऑन ऑफ का बटन है। तो ये देखो दोस्तों स्कोप में हमें लाइट मिल गई, काफी अमेजिंग है। रात में हम काफी इजी से गाइस हम टॉर्च के यूज में कर सकते हैं इस लाइट को। और गाइस अब दिखाता हूँ दोस्तों आपको पेन, तो इस पेन को दोस्तों इस तरह निकाला, और ये देखो दोस्तों पेन
काफी अमेजिंग है। लुक देखो दोस्तों कितनी अमेजिंग है इस गन की और इस पेन की भी दोस्तों, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। और सबसे अच्छी बात है इसे काफी इजीली से हम रख भी सकते हैं, देख सकते हो काफी इजीली से खड़ा भी हो गया ये पेन। चलो मैं आपको अपने हाथ पे खड़े करके दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये देखो इसे करा, ये देखो इसमें स्टैंड मिल जाता है जिससे गाइस ये खड़ा हो जाता है। पेन काफी जबरदस्त है, इसे 40 रुपीज का परचेज किया इस पेन को। चलो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट ही दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक गाइस काफी सुंदर और काफी अमेजिंग दोस्तों स्पेस वाला शार्पनर, काफी सुंदर सा है, नीचे से देख सकते हो ऐसा लग रहा है रॉकेट लॉन्चर की तरह है दोस्तों। और ये घुमाएंगे और फिर पेंसिल शार्प होगा, पेंसिल को गाइस इस जगह से डालेंगे, जितना भी कूड़ा आएगा गाइस इसके अंदर आ जाएगा। ये देख सकते हो मशीन, देखो दोस्तों कितने अच्छी क्वालिटी के दोस्तों। इस शार्पनर को दोस्तों मैंने 150 रुपीज का परचेज किया है। चलो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट ही दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक एरोप्लेन, ये एयरप्लेन देख सकते हो काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है। और ये है दोस्तों एक शार्पनर, ये देखो दोस्तों शार्पनर है काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों, इसे मैंने 10 रुपीज का परचेज किया एरोप्लेन शार्पनर को। चलो नेक्स्ट चीज कहता हूँ। नेक्स्ट चीज है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारी एक सुपर रेसिंग बाइक, और ये सुपर रेसिंग बाइक नहीं है दोस्तों, ये है दोस्तों एक काफी अमेजिंग सा शार्पनर, देख सकते हो काफी सुंदर शार्पनर है। पीछे गाइस हमें शार्पनर मिल जाता है, आगे से बिल्कुल बाइक है, काफी सुंदर सी है। और इसे मैंने 30 रुपीज का परचेज किया इस शार्पनर को दोस्तों। चलो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक फ्रेंच फ्राई वाला दोस्तों पेन, और ये BTS का पेन है दोस्तों, पेन नहीं है दोस्तों, ये पेंसिल BTS की पेंसिल है दोस्तों। इसके ऊपर BTS आर्मी की फोटो छपी है, और कौन कौन BTS आर्मी है दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके बताना जरूर, मैं भी तो देखूं कौन कौन BTS आर्मी है। और ये देख सकते हो ढक्कन पे गाइस हमें फ्रेंच फ्राई मिल जाता है, काफी अमेजिंग। और दोस्तों ये है एक इरेजर, ये देखो दोस्तों काफी अच्छी इरेजर मिल जाती है, पुश एंड बैक वाली दोस्तों। इसमें पेंसिल मिल जाती है, पेंसिल की नोक भी देख सकते हो दोस्तों कितनी बड़ी और कितनी अच्छी है दोस्तों। तो इसे साइड रखता हूं, नेक्स्ट ही दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर काफी प्यारी सी एक लिपस्टिक दोस्तों, ये भी काफी सुंदर है। और इस लिपस्टिक को दोस्तों मैंने 30 रुपीज का परचेज किया, और ये देखो दोस्तों ये लिपस्टिक नहीं है दोस्तों, ये है एक इरेजर, ये देखो दोस्तों लिपस्टिक लुक में काफी सुंदर काफी प्यारी सी दोस्तों। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट ही दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर सा कैप्सूल, कैप्सूल और कैप्सूल के अंदर से आवाज आ रही है, और इस कैप्सूल को दोस्तों मैंने परचेज किया 30 रुपीज का। और इस कैप्सूल में मिलता हमें एक काफी सुंदर सा पेन, ये देखो दोस्तों पेन मिल जाता है, ये देखो है ना काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। फिर इसके ढक्कन को इस तरह लगाएंगे और कैप्सूल को बंद कर देंगे, फिर इस तरह खोल के हम पेन को यूज कर सकते हैं। चलो एक बार चला के भी दिखाता हूँ पेन। तो ये देखो दोस्तों ये पेन कितना जबरदस्त बॉल पेन है दोस्तों, टिप देख सकते हो काफी अच्छी टिप है दोस्तों। तो इस कैप्सूल वाले पेन को बंद करते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक है चाकू वाला पेन, ये देखो दोस्तों चाकू वाला पेन है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है रियल का चाकू है, बट दोस्तों ये पेन है, दिखाता हूँ दोस्तों ये पेन, ये देखो अरे क्या हुआ, अरे उल्टा ही हो गया, तो ये पूरा ही खुल गया, कैसे खुल गया, ये देखो ये है पेन, देखो दोस्तों काफी अच्छा काफी अमेजिंग काफी इजी से हम पकड़ के अपना वर्क भी कर सकते हैं दोस्तों। काफी सुंदर चाकू वाला पेन है, इस चाकू वाले पेन को 20 रुपीज का परचेज किया है। नेक्स्ट ही दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न घोड़ा दोस्तों, और ये यूनिकॉर्न का घोड़ा नहीं है दोस्तों, ये है एक शार्पनर दोस्तों। इस जगह गाइस हम अपनी पेंसिल को शार्प करेंगे, सारा कूड़ा गाइस आ जाएगा इसके पेट में, और फिर इस शार्पनर को इस तरह निकाल लेंगे और फिर सारा कूड़ा फेंक देंगे। ये देख सकते हो यहाँ से गाइस शार्पनर निकलेगा, तो ये देखो दोस्तों शार्पनर निकल जाते हैं, अरे भाई निकल गया भाई निकल गया, हाँ शार्पनर निकल गया, देख सकते हो शार्पनर की क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त कितनी अमेजिंग है। और इस यूनिकॉर्न वाले शार्पनर को दोस्तों मैंने 20 रुपीज का परचेज किया है। नेक्स्ट चीज दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारा था दोस्तों, एक लाइट और कलरफुल वाला पेन देख सकते हो। इसमें गाइस ऑन ऑफ का बटन है, इस ऑन के बटन को ऑन करूंगा तो देखना क्या होगा, ऑन किया तो ये देखो दोस्तों इसके पीछे से लाइट ब्लिंक होना चलेगी, जब भी ब्लिंक होगी लाइट अलग अलग कलर आएंगे, देख सकते हो काफी अमेजिंग है, देख सकते हो ये देखो वाओ काफी अमेजिंग यार। और देखो दोस्तों जब मैं इसे अपने हाथ में पकड़ रहा हूँ कितना अमेजिंग लग रहा है, कितना जबरदस्त लग रहा है, ये देख सकते हो काफी कलरफुल है काफी अमेजिंग है। ढक्कन ओपन करता हूँ, ढक्कन ओपन करने के बाद पेन यूज कर सकते हैं, और ये देखो दोस्तों जब भी लिख रहा हूँ तो देखो दोस्तों हाथ में कितना अमेजिंग लग रहा है ये पेन। तो ये लाइट वाला पेन दोस्तों 40 रुपीज का परचेज किया है, आपको कैसा लगा दोस्तों ये लाइट वाला पेन प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर नेक्स्ट चीज कहता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ग्लिटर लिक्विड में दोस्तों एक यूनिकॉर्न पेन, ये देख सकते हो काफी अमेजिंग है, और इसमें ग्लिटर भी भरा है और लिक्विड भी भरा हुआ है, काफी अमेजिंग है। और ये देखो दोस्तों ये भी है एक पेन काफी अच्छा सा, देखो दोस्तों ये देख इसकी टिप देखो दोस्तों कितनी पतली है काफी अच्छी है, और इसमें जो ग्लिटर भरा है ना ये काफी गुड लुकिंग बना रहा है इस पेन को दोस्तों। और इस पेन को भी दोस्तों मैंने 40 रुपीज का परचेज किया है। नेक्स्ट ही दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक लॉलीपॉप सेट दोस्तों, ये भी काफी सुंदर है काफी प्यारा है दोस्तों, और इस लॉलीपॉप सेट को दोस्तों मैंने 40 रुपीज का परचेज किया है। और ये लॉलीपॉप नहीं है दोस्तों, ये है एक हाईलाइटर, वो कैसे दिखाता हूँ, तो एक लॉलीपॉप निकालता हूँ, लुक देख सकते हो ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल का लॉलीपॉप है, बट लॉलीपॉप नहीं है दोस्तों, ये देखो दोस्तों लॉलीपॉप ओपन किया तो इसके अंदर गाइस हमें मिलता हाइलाइटर, ये देखो दोस्तों
हाइलाइटर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी पतला चल रहा है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा भी चल रहा है। लॉलीपॉप लुक में है दोस्तों ये हाइलाइटर, काफ़ी सुंदर। टोटल हमें 6 कलर के लॉलीपॉप मिल जाते हैं दोस्तों, यानी 6 हाइलाइटर मिल जाते हैं इस सेट के अंदर। नेक्स्ट दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न का पॉपिट वाला पेन दोस्तों, ये देखो पॉपिट लुक में दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी ज़बरदस्त है, यूनिकॉर्न का दोस्तों पेन है। और दिखाता हूँ दोस्तों ढक्कन ओपन करके, तो ये देखो दोस्तों, और जब मैं लिख रहा हूँ ना तो ये देखो मेरे हाथ में कितना गुड लुकिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी अमेजिंग है। और इस पेन को दोस्तों मैंने 30 रुपीज़ का परचेज किया इस पॉपिट वाले पेन को। नेक्स्ट दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास नेल पेंट दोस्तों, नेल पेंट नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी सुंदर सा है, एक शार्पनर, ये देखो दोस्तों शार्पनर है, और आपको दिखाता भी हूँ खोल के, तो ये देखो दोस्तों खोलता हूँ, ये देखो दोस्तों शार्पनर है। इस नेल पेंट शार्पनर को दोस्तों मैंने 10 रुपीज़ का परचेज किया है, काफ़ी अमेजिंग है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है रियल का नेल पेंट है, बट ये दोस्तों शार्पनर है, काफ़ी सुंदर सा। चलो नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये देखो एक रैट, और रैट देखो खींचने वाला रैट है, काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये भी है दोस्तों एक शार्पनर, ये देख सकते हो, इसके पीछे से गाइस हम पेंसिल डालेंगे, फिर पेंसिल को शार्प करेंगे, और ये रहा शार्पनर, ये देखो दोस्तों है ना काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी अमेजिंग। चलो नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास 10 रिफिल वाला यूनिकॉर्न का पेन, इसे मैंने 50 रुपीज़ का पेन खरीदा है दोस्तों, और ये देख सकते हो इसमें टोटल हमें 10 रिफिल मिल जाते हैं। कौन कौन से कलर मिलते हैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको, इसमें ब्लू, ये देख सकते हो येलो, ये ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, रेड, स्काई ब्लू, पर्पल, येलो, पिंक, ब्लू, ये देख सकते हो ये सारे कलर मिल जाते हैं दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी मोटा पेन है दोस्तों। चलो एक बार एक पेन को चला के देखते हैं, तो रेड पेन को चलाते हैं तो कैसे चलेगा, तो रेड पेन को नीचे किया और ये चलाते हैं, अरे भाई चल जाए, ये देखो दोस्तों रेड पेन काफ़ी अमेजिंग है और काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अमेजिंग है। जब भी इसके रिफिल को बंद करना है तो इसके सर को दबाएंगे और रिफिल बंद हो जाएगा दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त है। नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी सुंदर मैजिक वाला पेन, मैजिक यानी दोस्तों ये है सीक्रेट पेन, और इस सीक्रेट पेन को दोस्तों मैंने 50 रुपीज़ का परचेज किया है, ये देख सकते हो ये सीक्रेट पेन है, और चला के दिखाता हूँ, ये आपको दिखेगा ही नहीं कि मैंने कहीं चलाया भी है, तो ये देखो दोस्तों मैंने अपने हाथ पे वीवी के लिख लेता हूँ, ठीक है आपको दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा ना। अब इसे कैसे देखेंगे, तो इसमें एक यूवी लाइट मिल जाते हैं, इस यूवी लाइट को ऑन करेंगे तो ये देखो दोस्तों मेरे हाथ में जो वीवी के लिखा था वो दिख रहा है, देख सकते हो है ना काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी अमेजिंग सीक्रेट पेन ये दोस्तों। आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और क्या आपने पहले सीक्रेट पेन यूज़ किया है ये भी दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये पेंसिल सेट, और ये दोस्तों पेंसिल सेट नहीं है, ये है काफ़ी सुंदर काफ़ी प्यारा सा दोस्तों हाईलाइटर, दिखाता हूँ वो कैसे, तो एक पेंसिल को निकालता हूँ तो ये देखो दोस्तों पेंसिल है, और ये ढक्कन को ओपन किया तो इसके अंदर गाइस हमें मिलता है हाईलाइटर, ये देखो दोस्तों हाईलाइट काफ़ी अच्छा, काफ़ी चौड़ी टिप है दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग है। नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक हमारे पास एक अम्ब्रेला, ये भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी प्यारा है दोस्तों, ये अम्ब्रेला लुक में दोस्तों हमें मिलता है इसके अंदर पेन, ये देखो दोस्तों ये पेन है, इसे ढक्कन को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों पेन है, काफ़ी ज़बरदस्त, और ये चल, ये देखो दोस्तों कितना अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा लेट चलता है फिर चलने लगता है दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग है, छाते लुक में दोस्तों काफ़ी सुंदर है। नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक डोरेमोन का दोस्तों स्कूटर वाला शार्पनर, ये भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी प्यारा है दोस्तों, और ये देख सकते हो स्कूटर लुक में दोस्तों, और यहाँ गाइस हम अपने होल में दोस्तों अपनी पेंसिल डालेंगे फिर घुमाएंगे फिर सारा कूड़ा साफ होके गाइस सारा कूड़ा इसके बोनेट में आ जाएगा, ये रहा दोस्तों ये इसमें सारा कूड़ा आ जाएगा, काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अमेजिंग है। और इस स्कूटर वाले शार्पनर को दोस्तों मैंने 200 रुपीज़ का परचेज किया है। नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये डोम्स का दोस्तों लॉन्ग वैक्स क्रियोन सेट दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी अमेजिंग है, 20 रुपीज़ का आता है, और इसमें गाइस हमें मिलते हैं लॉन्ग वैक्स क्रियोन कलर, ये देखो दोस्तों है ना काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अमेजिंग दोस्तों। तो ये डोम्स का वैक्स क्रियोन्स कलर है दोस्तों, 20 रुपीज़ का आता है, नया पैक है दोस्तों, नए लुक में है, नए क्वालिटी में है दोस्तों ये डोम्स का वैक्स क्रियोन्स कलर। नेक्स्ट ही दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफ़ी सुंदर काफ़ी प्यारे दोस्तों एक इरेजर सेट, और ये ब्रेड वाले इरेजर है, आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको रियल के ब्रेड है दोस्तों, बट ये ब्रेड नहीं है दोस्तों, ये है इरेजर दोस्तों, देख सकते हो काफ़ी सुंदर काफ़ी प्यारे दोस्तों इरेजर है, बिल्कुल रियल के ऐसे लग रहे ब्रेड है बट ब्रेड नहीं है दोस्तों, और इस ब्रेड वाले इरेजर को दोस्तों मैंने 30 रुपीज़ का परचेज किया। नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास टमाटो दोस्तों, देख सकते हो टमाटो, और दोस्तों ये टमाटो नहीं है, ये भी है शार्पनर दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग काफ़ी ज़बरदस्त। और क्या है दोस्तों हमारे पास, और क्या है, सब कुछ तो दिखा दिया नहीं, और ये है दोस्तों हमारे पास फ्लेयर क्रिएटिव की दोस्तों एक पेंट मार्कर दोस्तों, काफ़ी सुंदर काफ़ी अमेजिंग था दोस्तों, और इस सेट को दोस्तों मैंने परचेज किया है 230 रुपीज़ का। इसे ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों ये कैसा मार्कर है और किस तरह चलता है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों लॉक ओपन करेंगे, लॉक को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों मार्कर है, काफ़ी अमेजिंग है, चलता कैसा है चलो दिखाता हूँ, तो ये ढक्कन को ओपन किया ये देखो दोस्तों
ये देखो दोस्तों काफी अमेजिंग काफी जबरदस्त भी चल रहा है, इसका टिप देख सकते हो काफी मोटी है। तो दोस्तों ये था आज का कलेक्शन, आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो साथ अच्छे से कलेक्शन के साथ, जब तक बाय बाय दोस्तों।